और देख सकते हैं लगातार जो मैं अपडेट दिखा रहा था, सिविल बार एसोसिएशन के मतदान का परिणाम आ चुका है और सबसे बड़ी बात, दोनों पर ग्रुप पर विश्वास जताया है यहाँ के अधिवक्ताओं ने, एक पक्ष से अध्यक्ष, दूसरे से महासचिव। सीधा जुड़ेंगे महासचिव मेरे साथ, विजेंद्र मलिक जी जुड़ेंगे। जी बताइएगा, आपकी कहाँ चूक रही कि आपका अध्यक्ष रह गए? देखिए, ये मेंबर्स का एक पब्लिक मैंडेट है, हम इसको ऑनर करते हैं। जो भी हम लोगों के साथियों ने हमें आस्था प्रकट की है, वी टोटली ऑनर इट। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर हमसे कोई चूक है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट। और मैं अपने सभी, अपने एल्डर कमेटी चेयरमैन और इलेक्शन कमीशन और अपने बाकी साथियों को, सभी को बड़ा धन्यवाद अदा करना चाहूँगा उनके इस सहयोग के लिए। और मैं बिल्कुल आप लोगों को विश्वास दिलाऊंगा, जो अनियमितता पहले रही है उनको जरूर डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा उनको रिजोल्व करने की, आगे से ऐसी कोई परता ना चले, इसके लिए हम लोग के एफर्ट्स रहेंगे। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था इस बार चुनाव में लेकर, उस पर कितना आप खरा उतरेंगे, अब कितना आप पाबंद रहेंगे? जस्ट आई कैन एश्योर यू कि जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे उनको टोटली पूरा करेंगे। मैं अपने सभी मेंबर्स को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस जिस इशू को हम लोगों ने रेज किया था चुनाव में, उनको हम फुलफिल डेफिनेटली करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा, भी आपने सुना, खास तौर से ये पूरी विक्ट्री चिन्ह बना रहे हैं और विजेंद्र मलिक का एक ग्रुप है, विजेंद्र मलिक के ग्रुप को आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और अपनी जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। सिविल बार एसोसिएशन का ये मतदान हुआ था जहां पर 340 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, 314 ने ही लगभग अपना प्रत्याशी को वोट दी थी और वोट का नतीजा ये आया कि अनिल दीक्षित को अध्यक्ष तथा महासचिव पद पर फिर से विजेंद्र मलिक को काबिज कर दिया गया है। बहरहाल क्या कहेंगे, दूसरा पक्ष भी उनसे मिलाए गए। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मेहली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। और इसी दौरान दूसरी ओर मेरे साथ अनिल दीक्षित ग्रुप भी जुड़ने जा रहे हैं। अनिल दीक्षित जी स्वागत है आपका, अध्यक्ष बने हैं, आपके महासचिव रह गए हैं, वजह कोई नहीं, लोकतंत्र है, जो समीकरण है, हम मिलकर काम करेंगे, सब पूरा ग्रुप काम करेगा हर तरह से। आपके क्या क्या खास तौर से मुद्दे थे इस बार चुनाव में जो आपने लड़ा? तो वकीलों के सम्मान के लिए बार कार्य करती है, 24 घंटे काम करती है, 12 महीने काम करती है। तो एक ग्रुप से महासचिव हैं, एक ग्रुप से अध्यक्ष हैं, मिलजुल के काम होगा? कोई ग्रुप नहीं है, जो कार्यकारिणी बनेगी वो पूर्ण मिलकर पूरी ताकत के साथ वकीलों के हित के लिए कार्य करेंगे। जी जी, बहुत 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 बड़ी बात, आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा था कि परिणाम के बाद ही मैं कुछ बोलूँगी, जी बताइएगा। देखो, कार्यकारिणी का मतलब होता है कि वो सिर्फ अधिवक्ताओं की सुरक्षा, खासकर महिलाओं की, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे बार में, उसी को सोच के हम वोट करते हैं। तो इस बार कैसा लग रहा है अब आपको, एक तरफ से वो एक तरफ से ये, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अधिवक्ता ही काम तो सब करें, बहुत अच्छी बात है। हरिओम जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, कहाँ कुछ क्या कोई चूक रह गई? नहीं, कोई चूक नहीं, मताधिकार का प्रयोग किया है सदस्यों ने, जो किया सब सही है, सब मंजूर है, बढ़िया, बहुत बड़ी बात, अदालत में जो भी है सब। तो आप देख सकते हैं लगातार सबसे बड़ी बात, सिविल बार संघ के सभी पदाधिकारियों ने ये बात कही है कि सभी अधिवक्ता हैं और एक दूसरे का मान सम्मान कायम रखेंगे, बार की प्रतिष्ठा बनी रहे इस बाबत वो काम करेंगे। और यहाँ पर दोनों पदाधिकारी, दोनों वर्ग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, विक्ट्री बना रहे हैं, वो अलग बात है कि शायद क्या हुआ। हाँ, आप क्यों नहीं अध्यक्ष जी? बड़े कार्यकर्ता हमारे रोहित जी, हाँ नहीं, लगातार सचिव साहब जी सुनील मित्तल जी हैं। जी, मैं सुनील मित्तल जी चाहूंगा आपको फिर दोबारा से आए, आपने बड़ी मेहनत की है अपने ग्रुप को जिताने के लिए, लेकिन एक अध्यक्ष दे चुके हैं, दे पाए हैं, क्या कहीं कुछ बात नहीं, सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमें अपना मत और समर्थन दिया। हार जीत अलग चीज है, चलती रहती है, कोई बात नहीं है, हम अधिवक्ताओं के लिए कार्य करते रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। हमने बार का विकास किया है और आगे भी विकास कार्यों में सबको समर्थन देंगे, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, जिस तरह विरोध की राजनीति पिछले वर्ष हुई है वो हम नहीं करेंगे, हम सबके साथ और सबका विकास का कार्य करते रहेंगे। बहुत बड़ी बात। मनोज शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे आप इस जीत के लिए? देखिए, मतदान में सभी मतदाताओं को अपने अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है, सबकी स्वेच्छा से है, हमने हमेशा बार के हित में कार्य किया है और आगे भी हम बार के हित में ही कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी आपने सुना, भी आपने देखा, खास तौर से जिला सिविल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद, मतदाता यहाँ पर मौजूद, प्रत्याशी यहाँ पर
मगर लड़कों क्यों खड़े? लेकिन सबने यही दावा किया है कि मिलजुल कर लड़ेंगे, एक दूसरे के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मैं रिजल्ट की बात करूं तो यहां पर बीएस मलिक ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, भारी मतों से वो विजयी हुए हैं। यद्यपि उनके जो ग्रुप के सत्येंद्र कुमार किसी वजह से रह गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है दोनों पर विश्वास सिविल बार संघ के पदाधिकारी और अधिवक्ताओं ने दिया है। यदि सीधे रिजल्ट की बात करूं तो मैं अनिल दीक्षित को 161 मत मिले हैं, 12 मतों से वो विजयी हुए हैं, सत्येंद्र कुमार को 149 मत। उपाध्यक्ष पद की बात करें तो अखिल अग्रवाल 139 मत मिले हैं, जबकि संजीव त्यागी को 165। इसके अलावा महासचिव पद पर विजेंद्र सिंह मलिक को रिकॉर्ड मत मिले हैं 173, जबकि हरिओम गोयल को 137 परिसंतोष जताना पड़ा है। मुकेश जोरी को 154 और प्रवीर संगल को 153, जो कि सह सचिव प्रशासन पर चुनाव लड़ रहे थे। सह सचिव पुस्तकालय की बात करें तो निपुण जैन को 159 मत मिले हैं और कुमारी शिवानी सचदेवा को 148 मत मिले हैं। कोषाध्यक्ष पद की बात करें तो अन्नू कुच्छल को 156 मत और उपेंद्र कुमार गर्ग को 152 मत मिले हैं। बड़ी बात, इसके अलावा सबसे पहले जो वरिष्ठ सदस्य थे, वरिष्ठ सदस्यों में सोहन लाल 165, अनिता रानी 157, अरविंद गुप्ता 156, जय कुमार पवार 153, सत्येंद्र कुमार 151, कुलदीप सिंह 150 मत हासिल कर विजयी हुए थे। जबकि कनिष्ठ सदस्यों की बात करें तो यहां पर रेखा रानी को 166, निशा सैनी को 161, अन्नु रानी को 159, अदिति अग्रवाल को 156 और मनोज गौड़ 156 मत हासिल कर विजयी हुए हैं। देख सकते हैं खासतौर से अब प्रमाण पत्र भी मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा और चुनाव अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। विजयी प्रत्याशी सभी यहां पर पहुंच गए और सभी को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सिविल बार एसोसिएशन के मतदान में जो भी जीते हैं उनको अब मिल रहा है प्रमाण पत्र। मुख्य चुनाव अधिकारी जगम मियां जैदी, उनके साथ साथ विजेंद्र प्रताप सिंह और मुकेश त्यागी विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इसके साथ साथ बड़ी बात, यहाँ पर अंडर कमेटी के चेयरमैन भी मौजूद रहे और सभी प्रत्याशी, विजयी प्रत्याशी भी यहाँ पर मौजूद है और सबने बात कही है कि अब मिलजुल कर रहेगा, करेंगे काम, बार की प्रतिष्ठा के लिए होगा काम, ऐसा दावा विजयी प्रत्याशियों द्वारा किया गया है।